नेक्स्ट थर्ड टाइप, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस का क्या है? थर्ड टाइप है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसको हम लोग डोनेट करते हैं ईटा। तो क्या डोनेट करते हैं? ईटा। अब सिंपल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूरा डिपेंड करता है शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन के ऊपर। ओके, तो शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन दोनों भी हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, ये पूरा डिपेंड करता है हमारे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी के ऊपर। मीन्स अगर मैंने एक बॉडी लिया, उसकी बेस को फिक्स रखा और टेंजेंशियली फोर्स अगर मैं ऊपर से अप्लाई करता हूँ तो बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, लेकिन साइज कॉन्स्टेंट होता है। ओके, तो सपोज ये मैंने एक बॉडी लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो टेंजेंशियली फोर्स अगर मैंने अप्लाई किया तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका जो बेस था वो फिक्स था और यहाँ पर आ जाएगा थीटा। ओके, इसका बेस ये फिक्स है, फिक्स्ड है। ओके, और फिर ये यहाँ पर भी से भी चेंज होगा, मीन्स ये जो चेंजेस वाला पार्ट है इसको बोलूँगा ई डैश, एच डैश, जी डैश एंड एफ डैश। ओके, तो ये मेरे चेंजेस वाले पार्ट है। अभी हमने ये देखा क्या ईटा, ईटा बेसिकली क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस बेसिकली क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अप्लाइड ऑन अ एरिया। तो सिंपल, शेयरिंग स्ट्रेस आता है फोर्स अपॉन एरिया, बट शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल बॉडी। ओके, मीन्स हमने ये देखा था ए एच, ठीक है, ए एच एंड एच एच डैश, ठीक है, ये चेंजेस वाले पार्ट थे। तो हमने ये देखा था शेयरिंग स्ट्रेन होता है टेन थीटा, तो ईटा क्या होगा मेरा, एफ अपॉन ए टेन थीटा। ओके, तो मुझे ईटा मिल गया। अभी हम लेते हैं इफ टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो देन ईटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ अपॉन ए थीटा, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी सेम होगा मेरा, मॉडुलस का यूनिट मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, तो सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट और मॉडुलस के टाइप्स का यूनिट सेम है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसके बाद पॉइजन्स रेशियो देखेंगे। पॉइजन्स रेशियो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, तो सबसे पहले पॉइजन्स रेशियो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम उसके डेरिवेशन करेंगे। तो पॉइजन रेशियो बेसिकली है क्या, पॉइजन रेशियो में हम ये देखते हैं, अगर कोई एक कंडक्टिंग वायर है, अगर उसको मैं नीचे से फोर्स अप्लाई करता हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेंथ उसका चेंज हो रहा है, लेकिन लेंथ जो चेंज होता है उसके साथ साथ उसका डायमीटर भी चेंज होता है, तो हम वो डायमीटर को भी इसमें कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो लेंथ और डायमीटर, इनके जो चेंजेस हो रहे हैं ओरिजिनल डायमीटर और ओरिजिनल लेंथ से, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो कैसे फाइंड करते हैं अभी हम देखते हैं, ठीक है।